वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल सिद्धार्थ। टेक्निकल सिद्धार्थ में आपका स्वागत है। सो कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले सहारा बैंक के बारे में, और दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं सहारा बैंक को क्यों लगने वाली है फांसी सुब्रत राव को और शिवव्रत राव को टीम को। दोस्तों ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लाइव जनता बोले, निवेशक बोल रहे हैं। दोस्तों हम आपको लाइव दिखाएंगे, दोस्तों पूरा लास्ट तक आप लोग देखिए, हम पूरा लाइव आपको दिखाएंगे निवेशक क्यों बोले सुब्रत राव। सुब्रत राव के चेयरमैन यानी को जो उनके कामकर्ताओं थे उनको फांसी लगने के लिए क्यों बोला जा रहा है दोस्तों, और दोस्तों निवेशक क्या क्या बोली हम आपको सब लाइव दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आइए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ है और सुब्रत राव को क्यों फांसी दी जा रही है और कब से पैसा मिलेगा। दोस्तों आइए हम लाइव आपको दिखाते हैं। भुगतान सुनिश्चित करेगा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि डीएम को ही खुद नहीं पता कि मैं कंपिटेंट अथॉरिटी हूँ इस एक्ट के तहत और मुझे करना क्या है। इन्हीं चीजों के लिए आज हम यहाँ आए हैं कि एक तो इन ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, जो लोग भी अपनी शिकायत दें परिवाद पेश करें पुलिस में उनके मुकदमे दर्ज हों प्रॉपर धाराओं के तहत व्हाट्स एक्ट के तहत ठगी और धोखाधड़ी की, और चूंकि गैंग बना करके ठगी हुई है तो गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाए, इन तमाम ठगों को गिरफ्तार किया जाए और जितने भी पीड़ित हैं ठगी पीड़ित इन सबके आवेदन डीएम साहब एक्सेप्ट करें और उनके भुगतान की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी आरम्भ करें। किस तरह की ठगी हुई है और किन लोगों पर ठगी का आरोप है? देखिए, जमा योजनाओं के नाम पर ठगी हुई है। बचत राशि को जमा कीजिए बैंकों की तरह, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह, और जो ये सारा इंडिया परिवार है इसका मालिक सुब्रत राय है। हजारों FIR दर्ज है उसके खिलाफ, देश भर में जेल में भी रहा है। 2016 में पेरोल पे आया था वो, ओपी श्रीवास्तव है, सपना श्रीवास्तव है और उसके दर्जनों सहयोगी हैं जिन्होंने गैंग बना करके जमा योजनाओं के नाम पर, कहीं हाउसिंग के नाम पर, कहीं सहकारिता के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर भिन्न भिन्न तरीकों से ठगी की है। कि दोस्तों हम आपको लाइव दिखाए हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्यों उनको फांसी देने की सजा हो रही है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सुब्रत राव के साथ साथ सुब्रत राव की टीम को भी फांसी देने की सजा सुनाई जा रही है। निवेशक का कहना है कि सुब्रत राव के चेयरमैन यानी कि उनके जो कार्यकर्ताएं साथ में उनको भी फांसी दी जाएगी और सुब्रत राव को भी फांसी दी जाएगी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कहा गया है कि सुब्रत राव को जल्द से जल्द पैसा वापस कर दें। और दोस्तों हम बता दें निवेशक रोज़ नया नया क्लेम भेज रहे हैं, पैसा मिल जाए जल्द से जल्द, लेकिन दोस्तों डेट पे डेट घुसकाया जा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें हम नया नया रोज़ रोज़ नया नया अपडेट लेके आता हूँ, और दोस्तों क्या होता है हम रोज़ आपको बताता हूँ। तो आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए कि ऐसे आने वाले नया नया वीडियो सबसे पहले याद तक जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, नया अपडेट के साथ। तब तक लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।